Assalamualaikum, National Grammar School, Secondary Class 3. I'm Science Teacher. Chapter number 2, Living Things and World and Animals. Animals and their types. Animal ki iqsam. Animals are living things like human beings. Animals jandar hote hain jaise insaan. Absorb the animals given in the picture. Separate the animal on the basis of having backbone and without backbone. एनिमल्स कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी हैवी बैकबोन होती है और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बगैर बैकबोन के होते हैं. एनिमल्स कैन बी डिवाइड इन टू टू मेजर ग्रुप्स. जानवरों को दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, दो हिस्सों में. एनिमल्स विद बैकबोन आर नाउ एज वर्टेब्रेट्स एंड दस विदाउट अ बैकबोन आर नाउ एज इनवर्टेब्रेट्स. एनिमल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. यू कैन सी सम टाइप्स ऑफ एनिमल्स इन द अबव गिवन इन पिक्चर. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हेवी बैकबोन्स वाले होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो विदाउट बैकबोन के होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं मौजूद होती. इनको हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं. एनिमल्स इनकी दो किस्म की टाइप्स होती हैं. नंबर वन, वॉर्म्स. वॉर्म्स वो होते हैं जो ज़मीन पर रेंगने वाले जानवर होते हैं, उन्हें हम वॉर्म्स कहते हैं. जिनकी दो किस्म होती हैं, राउंड अर्थ वॉर्म्स, फ्लैट अर्थ वॉर्म्स. Look at the picture of animals. They are called worms. Round earthworm and flat earthworm are two types common worm. इनकी दो किस्म की इकसाम होती हैं, जिससे राउंड अर्थ होती है और फ्लैट अर्थ होती है. They have segment body. They live in wet, cool and soft soil. इनकी बॉडी बहुत फ्लैक्सीबल होती है, कहीं भी टर्न हो जाती है, आराम से वो मूव कर सकते हैं. दे आर फाउंड इन पोल्स, पॉन्ड्स, कैनल्स, रिवर एंड सीज. वॉर्म्स ईट मड एंड डेजी लीव्स. दे आर फाउंड इन ब्राउन एंड ब्लश कलर. ये क्या नाम है, दरिया, समंदर और आपको पानी की जगह पर पाए जाते हैं. और क्या नाम है, ये ख़राब पत्ते वगैरह इनकी ग़िज़ा होती है. फिर हम आ जाते हैं इंसेक्ट्स पर. इंसेक्ट्स होते हैं रेंगने वाले छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं, उन्हें हम इंसेक्ट्स कहते हैं. वो भी जानवरों की ही एक किस्म है. लुक एट द गिवन पिक्चर. आपको तस्वीर दी गई है, उस तस्वीर को गौर से देखो. उसमें अलग अलग किस्म के इंसेक्ट्स दिखाए गए हैं जो बहुत खूबसूरत भी हैं और कुछ ख़राब से भी हैं. डू यू नाउ द नेम ऑफ सम अदर इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स के अलग अलग नाम होते हैं. इंसेक्ट्स आर स्मॉल एनिमल्स. स्मॉल होते हैं, छोटे जानवर होते हैं. ऑल इंसेक्ट्स हैव फोर विंग्स, सिक्स लेग्स एंड टू लार्ज आईज. तमाम इंसेक्ट्स के छः पाँव होते हैं, चार विंग्स होते हैं और क्या नाम है, दो बड़ी आँखें होती हैं. पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ आ इंसेक्ट. इंसेक्ट्स के जिस्म के हिस्से आपको बताएंगे. नंबर वन, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन आर थ्री पार्ट्स ऑफ एन इंसेक्ट. द हेड वेयर्स टू लार्ज कंपाउंड आइज एंड अ पेयर ऑफ फ्लेयर्स. द थॉरेक्स वेयर फोर विंग्स एंड सिक्स लेग्स. ये बॉडी के हिस्से हैं. उनके हेड यानी कि सर, फिर थॉरेक्स है, एब्डोमेन है, ये सब इनकी बॉडी के हिस्से हैं जो हर इंसेक्ट्स में मौजूद होते हैं. फिर आ जाते हैं शेल्ड एनिमल. शेल्ड एनिमल होते हैं जो जिनकी कवर के लिए उनकी बैकबोन बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, जो उनको कवर करते हैं. तस्वीर दी गई है आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं. स्नेल एंड मोजल्स आर टू कॉमन टाइप्स ऑफ शेल्ड एनिमल्स. आर फाउंड इन गार्डन वेयर द लीव इन ग्रोज इन द मॉइस्ट सॉइल. स्नेल और मोजल्स एक किस्म, दोनों एक ही किस्म के बैकबोन वाले जानवर हैं जो कि शेल्ड एनिमल्स कहलाते हैं. ये आपको गार्डन वगैरह में दिखते हैं. आर स्नेल इज़ अ सॉफ्ट एंड सिल्मी एनिमल हुज बॉडी इज़ प्रोटेक्टेड बाय अ शेल. स्नेल जो होता है वो बहुत सॉफ्ट और सिल्मी होता है, लेकिन उसके ऊपर का जो शेल होता है वो बहुत मजबूत होता है जो उसे प्रोटेक्ट करता है. द बॉडी ऑफ द स्नेल लाई इनसाइड द शेल. दे आर फाउंड इन डिफरेंट साइजेस. शेल के जो साइजेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं स्नेल के. स्नेल यूज लीव्स एंड स्टीम्स स्टेम्स एज फूड. सम शेल एनिमल लाइक मोजल्स आर फाउंड इन द सी. स्नेल जो होते हैं वो पत्तों के ऊपर समंदर के अंदर आपको नजर आएंगे. फिर आप अगर आपके स्कूल में गार्डन वगैरह था, वहाँ देख सकते हैं, शायद आप लोगों को ये एनिमल्स नज़र आ जाएँ क्योंकि ये ज़्यादातर पत्तों पर मौजूद होते हैं. फिर हम आगे आ जाते हैं स्नी एनिमल्स. सम स्नी एनिमल्स आर फाउंड इन रिवर एंड सी साइड. यूजली द बॉडी ऑफ स्नी एनिमल्स आर हिडन इन हार्ड कवर. स्टार फिश इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्नी एनिमल. स्नी एनिमल में सबसे पहले मिसाल हम स्टार फिश की देते हैं जो कि समंदर में पाए जाते हैं. और इनकी जो बॉडी होती है बहुत स्नी टाइप की होती है.
हिडन हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। फिशेज, फिशेज अलग अलग किस्म के होते हैं जिनके अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग कलर्स होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे फिशेज दी गई हैं, लुक एट द पिक्चर, पिक्चर में आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फिशेज दी गई हैं। फिश इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ वाटर एनिमल्स, फिश जो है ये पानी का जानवर है। फिशेज आर कॉल्ड बॉडीड एनिमल, फिश का जो ब्लड होता है वो बहुत ठंडा होता है। देयर आर 100 टाइप्स ऑफ फिशेज, 4 तरह की मुख्तलिफ किस्म की फिशेज होती हैं। फिशेज आर फाउंड इन पाउंड रिवर एंड इन सीज मोस्ट, फिशेज आर एडिबल, वी यूज इट्स मीट एज फूड। सम ऑफ द फिशेज आर यूज इन प्रिपेयरिंग मेडिसिन, फिशेज बॉडी इज स्टैग्नेंट विच हैव टू स्लिप थ्रू वाटर ड्यूरिंग स्विमिंग, फिशेज आर फाउंड इन डिफरेंट कलर। फिशेज जो होती हैं समंदर में पाई जाती हैं, समंदर में भी होती हैं, तालाब में भी होती हैं, और भी जगहों पर होती हैं, पाउंड्स में भी होती, रिवर में भी, दरियाओं पर भी होती हैं। और इनकी जो बॉडी होती है बहुत ही स्ट्रिमली टाइप की होती है, और ये अलग अलग कलर्स की भी होती हैं, हर फिश का कलर अलग होता है। पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ फिश, फिश की बॉडी के हिस्से, के हिस्से। अ फिश हैज़ अ हेड, अ ट्रंक एंड अ टेल, मोस्ट ऑफ द फिशेज, हर फिश के अंदर ज़रूरी होता है उसका सर है, दुम है, उसकी दुम है, उसकी ज़बान है। फिशेज आर कवर्ड विथ स्केल, दे पोजेस फिन्स विच हेल्प देम इन स्विमिंग। अ फिश ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ द ऑर्गन कॉल्ड गिल्स, फिशेज को तैरने में मदद देते हैं, और क्या नाम है उसको, सांस लेने की ज़्यादा मदद देते हैं गिल्स के, जो गिल्स होते हैं उसको सांस लेने में मदद देते हैं पानी के अंदर, और फिशेज पानी के अंदर ही सांस ले सकती है, बाहर नहीं ले सकती। राहू, डॉग फिश, माली, माशीर, पाला, लाची, पापलेट वगैरह वगैरह, ये सब पाकिस्तानी फिशेज के नाम हैं। आर कॉमन फाउंड इन पाकिस्तान, फिशेज बिलोंग टू द वर्टिब्रेट्स ग्रुप, ये वो फिशेज हैं जिनकी बैकबोन्स नहीं होती। तो ये सब वही लिखा हुआ है। फ्रॉग एंड टोड्स, लुक एट द गिवन पिक्चर, तो आप गौर से देख सकते हैं। फ्रॉग्स आर ग्रीन इन कलर विद ब्लैक डॉट्स, फ्रॉग जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, उससे ब्लैक कलर के डॉट्स वाले होते हैं। दे लीव इन वाटर अंडर स्टोन और नियर टू द वाटर, ये क्या नाम है, पानी के अंदर रहता है जहाँ पर पत्थर होते हैं उस जगह पर ये रहता है। दे कम आउट एट नाइट टू लुक फॉर फूड, दे कैन जम्प फ्रॉम प्लेस टू गेट देयर फूड, वो एक जगह से दूसरी जगह कूद कूद कर जाता है। आ फ्रॉग हैज़ अ वेट एंड स्मूथ स्किन, इट्स स्किन प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर एनिमीज, उसकी जो स्किन होती है बहुत सॉफ्ट होती है, स्मूथ होती है। आ फ्रॉग हैव अ फैट बॉडी, इट हैज़ अ स्मॉल हेड टू लार्ज आइज, की जो बॉडी होती है बहुत फैट होती है, और उसकी जो आँखें होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती हैं। एंड अ शॉर्ट विड माउथ, उसका मुँह जो होता है बहुत छोटा होता है। आ फ्रॉग हैज़ 4 लेग्स, फ्रॉग की चने में 4 टांगें होती हैं। दे 2 फ्रंट लेग्स, 2 आगे की टांगें होती हैं, आर शॉर्टर, जो छोटी होती हैं। देन दे आर बैक लेग, जो और 2 पीछे की टांगें होती हैं। द फ्रंट लेग्स हैव फिंगर्स, द बैक लेग हैव ट्वाइस, जो आगे के फिंगर होते हैं फिंगर, जो आगे के पाँव होते हैं उसमें फिंगर्स होते हैं, जो पीछे के होते हैं उसमें ट्वाइस होते हैं। कॉल्ड वेब, इट हैज़ नो टीथ, उसके दांत नहीं होते, एंड हैज़ अ लॉन्ग स्टिकी थॉट टंग, उसकी जो जबान होती है बहुत स्टिकी होती है। फ्रॉग यूज इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स एज फूड, मदर फ्रॉग ले मैनी एग्स इन वाटर, ईच एग किचन इन टू अ टिनी बेबी फ्रॉग एंड इज कॉल्ड टैडपोल, इट हैज़ अ टेल, लुक लाइक अ फिश। आफ्टर सम टाइम टैडपोल्स लूज देयर टेल्स व्हेन दे ग्रो इनटू फ्रॉग, बेबी फ्रॉग इज आल्सो कॉल्ड टोड, दे आल्सो बिलोंग टू द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ये जो फ्रॉग जो होते हैं वो ठंडे खून, उनका ठंडा खून होता है, उनके जो फीमेल फ्रॉग के जो फीमेल्स होते हैं वो एग्स उनके जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, जो एक टेल की तरह होते हैं। फिर ये सब दोबारा से वही सब दिया है। पैराग्राफ, रेप्टल्स, रेप्टल्स वो एनिमल्स होते हैं जो रेंगने वाले कीड़ों को कह सकते हैं हम रेप्टल्स, जैसे कि टॉर्टोइस है, लेजर्ड है, क्रोकोडाइल है, स्नैक है, ये वो एनिमल्स हैं जो बहुत खतरनाक भी होते हैं और रेंगते भी हैं। दिस लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर को आप देख चुके हैं। दिस आर सम एनिमल्स एंड आर कॉल्ड रेप्टल्स, इन एनिमल्स को हम रेप्टल्स कहते हैं। लेजर, टोटर लेजर है, टोटोइस है, स्नैक है,
वगैरह वगैरह सम एग्जाम्पल ऑफ रेप्टल, ये सब मिसाल जो है रेप्टल्स की है। दे ले देयर एग्स ऑन लैंड, उनके जो अंडे होते हैं ये ज़मीन पर देते हैं। देयर स्किन इज रफ एंड देयर स्किन, इनकी जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा रफ होती है। दे ब्रीथ बाय लंग्स, दे हैव टीथ इन देयर जॉज, इनके जो जो सांस लेते हैं लंग्स के जरिए से, फेफड़ों के जरिए सांस लेते हैं। इनके टीथ जो होते हैं बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं। लेज़र यूज इंसेक्ट्स एज फूड, ये लेज़र्स जो होते हैं इनका छोटे छोटे कीड़े होते हैं इनका फूड करता होते हैं। स्नैक हैव एलोंगेटेड ब्लड्स विदाउट लैम्स, दे लीव इन ब्रोस एंड सम लाइफ इन वाटर। कोबरा इज वन ऑफ द मोस्ट पोजनियन स्नैक, मोस्ट स्नैक आर नॉन पोजनियंस। Totalize lives on land and also in water, its body has hard shell, इसकी जो टोटराइज की जो बॉडी होती है उसका जो ऊपर का शेल होता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, जो उसको बहुत ज़्यादा कवर्ड करता है। उसकी जो कवर्ड करता है ना उसका शेल होता है, जब उसे कोई मसला होता है तो कवर्ड के अंदर चला जाता है। द क्रोकोडाइल आर फाउंड इन रिवर एंड पाउंड, देयर जोज आर लॉन्ग एंड बियर स्ट्रॉन्ग टीथ, इट्स टेल इज लॉन्ग एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। क्रोकोडाइल ईट फिशेज एंड अदर वाटर एनिमल्स, क्रोकोडाइल जो होता है वो पानी के अंदर जितने भी मौजूद जानवर होते हैं उनको खाता है, जैसे फिश हो गए और अदर एनिमल्स हो गए। क्रोकोडाइल की जो क्रोकोडाइल पानी में ही पाया जाता है, रिवर्स पाउंड वगैरह में, दरिया तालाब या समंदर वगैरह में पाया जाता है। कि जो दांत होते हैं बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि इसको वो आसानी से चबा सकता है। फिर हम आगे जाते हैं बर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। बर्ड्स तो आपको पता है परिंदे उड़ते हैं उन्हें हम बर्ड्स कहते हैं। यू कैन सी सम बर्ड्स इन द गार्डन, आपने अपने गार्डन में या इर्द गिर्द अपने कहीं ना कहीं बर्ड्स को देखा होगा, बर्ड्स अक्सर आपको नज़र आते रहते हैं। डू यू नाउ द नेम्स ऑफ सम अदर बर्ड्स, इनके अलग अलग किस्म के नाम होते हैं। बर्ड्स आर नाउ एज फ्लाइंग एनिमल्स, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स कैन फ्लाई इन द एयर, बर्ड्स वो जानवर होते हैं जो हवा में उड़ सकते हैं। सम बर्ड्स कैन रन ओनली लाइक कीवी, पिजन, डक, ईटीसी। हु कैन रन ओनली डक कैन ऑल्सो स्विम इन वाटर, कुछ बर्ड ऐसे भी होते हैं जो चल भी सकते हैं, पानी में भी तैर सकते हैं और उड़ भी सकते हैं। बर्ड्स मेक देयर ओन होम्स फॉर नेस्ट ऑन ट्रीज एंड बुशेस, दे ले एग्स, कुछ बर्ड ऐसे होते हैं जो दरख्तों पर घोंसला बनाकर रहते हैं, इस तरह का घोंसले का घर होता है, इसमें ही अपने अंडे देते हैं। आ बर्ड्स बॉडी इज लाइट बट इट हैज स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क एंड फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, अ बॉडी ऑफ अ बर्ड इज लाइक अ बोट, इट इज वेरी सूचिबल ऑफ कट थ्रो एयर, इनको हवा उड़ने में मदद देती है, हवा के बगैर ये नहीं उड़ सकते। पार्ट्स ऑफ बर्ड्स, परिंदों के हिस्से, हेड फैदर्स यानी कि पर, टेल, पूंछ, आई, बीक यानी कि चोंच, विंग्स, लेग्स। बर्ड्स हैव टू विंग्स एंड अ टेल, दे हेल्प देम टू फ्लाई इन द एयर, उनके दो विंग्स पर होते हैं जिनको उड़ने में मदद देते हैं। बर्ड्स हैव टू लेग्स विच हेल्प देम टू वॉक, बर्ड हैव टू आई थिंक दो बड़ी आँखें होती हैं विच हेल्प देम टू सी थिंग, बर्ड ईट विद द बिग, इनके जो छोटे छोटे से कीड़े खाते हैं ये इनके नाम हैं। बर्ड बॉडी इज कवर्ड विद द फैदर्स, इनकी जो बॉडी को कवर करता है वो फैदर होते हैं, इनके फर होते हैं इनके। द स्मॉल एंड फुल्फी फैदर्स कीप द बर्ड्स बॉडी वार्म, दे आर कॉल्ड डाउन फैदर्स। द लॉन्ग एंड फ्लैट फैदर अटैच टू द विंग्स एंड द टेल हेल्प द बर्ड फ्लाई, द आर कॉल्ड फ्लाइट फ्लैट फैदर, इनके जो विंग्स होते हैं इनके जो फैदर्स होते हैं वो इनको उड़ने में मदद देते हैं। जब भी अपने फैदर्स को फ्लैट करते हैं, सीधा करते हैं, तभी ये उड़ सकते हैं, और जब अपने पर को झुका लेते हैं तो ये नीचे की तरफ लैंड करना शुरू कर देते हैं। इनके पर इनकी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं उड़ने में, और इनके अटैच होते हैं इनके विंग के साथ, जो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है इनको ऊपर की तरफ जाने में, फ्लाई करना उड़ने में। फिर हम आ जाते हैं मैमल्स, मैमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो डायरेक्ट बेबी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि काव है, कैट है, गोट, इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्ट, ये लोग एग्स नहीं देते, लोग डायरेक्ट बेबी प्रोड्यूस करते हैं। लुक एट द फॉलोइंग, जो आप पिक्चर देख सकते हैं, दिस आर सम पिक्चर ऑफ एनिमल्स एंड रियल बेबीज विच आर कॉल्ड
मेमल्स जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये सब मेमल्स, काउ, गोट, कैट, ईटीसी आर सम एग्जांपल्स ऑफ मेमल्स। ये सब मेमल्स हैं। मेमल्स पोजेस हेयर ऑन देयर बॉडीज। फीमेल मेमल्स फीड देयर बेबीज ऑन देयर मिल्क। दिस आर नाउ एज वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ऑल मेमल्स गिव बर्थ ऑफ डेवलप्ड बेबीज। ह्यूमन बींग्स ऑल्सो बिलोंग टू दिस ग्रुप। मेमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो डायरेक्ट बेबी को रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि बेबी बन एक बेबी बनाते हैं। वो एक इंसान वो अपने बेबी को वो बेबी को फीड भी कराते हैं, ग़ज़ा भी देते हैं अपने ज़रिए, और उनकी अच्छी नशोनुमा और अच्छी परवरिश भी करते हैं। अब आप समझ गए हैं कि मेमल्स क्या होते हैं। मेमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो बेबी को रिप्रोड्यूस करते हैं डायरेक्ट बेबी को, एग्स नहीं देते, वो डायरेक्ट बेबी रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसमें से काव है, कैट है, और भी बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, फीमेल एनिमल्स हैं। अब हमारा ये चैप्टर हमने आपको पढ़ा दिया है, सब काम आपको आज मिल जाएगा, और इंशाल्लाह 13 अगस्त को आप ये तमाम काम स्कूल में जमा करवा दें। अल्लाह हाफिज़।